अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ सिवालखास विधानसभा क्षेत्र से आज निर्दलीय अमित जानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सिवालखास क्षेत्र में काफी समय से विभिन्न सामाजिक कार्य करने में आगे रहे अमित जानी ने नामांकन के बाद कहा कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में बगैर किसी पद के इतने कार्य करा दिए हैं जो कोई जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद भी निधि से भी नहीं कर पाता। जनता उनके साथ है और वह 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने का जज्बा रखते हैं। मीडिया से उन्होंने यह बात की। देखिए, जब मैं विधानसभा में गया था तो लोगों ने कहा कि जितने भी आज तक कैंडिडेट आए हैं सब लोगों ने जीतने के बाद कुछ किया नहीं। हमने कहा तो हमसे ये मत, हम सिर्फ जीतने से पहले जितना काम कराना है करा लीजिए ताकि पूत के पांव पालने पे जन जाएं। हमने 8 करोड़ रुपए का काम अपनी विधानसभा में चुनाव जीतने से पहले किया है एक साल में। अब अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लोग 500 करोड़ रुपए का काम करेंगे विधानसभा में, जो किसी विधायक के बस का नहीं है। हमारी विधानसभा में हमने 50 से ज़्यादा मकान बनवाए, एम्बुलेंस चल रही है हमारी, हम लोगों ने क्षेत्र के लोगों को फ्री ऑपरेशन दिया, अस्पताल फ्री दिया। आज कोई महिला अगर दर्द से तड़प रही होती है तो उसके लिए डिलीवरी की फैसिलिटी फ्री है। हमारी तरफ से ट्रैक बनवा के दिए गए खेलने के, और ऐसे तमाम कार्य हमने किए जो और कोई नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी जो नहीं हो रहे। चलता फिरता अस्पताल एक गाड़ी भी हमने बनवाया जो कि अमेरिका और जापान में भी नहीं चल रहा है। तो लोगों को विश्वास है कि जो जीतने से पहले विधायक निधि 5 करोड़ की होती है, 8 करोड़ अपनी जेब से लगा सकता है, अगर वो जीतेगा तो शायद कुछ करेगा। इस उम्मीद के भरोसे के ऊपर जो है लोग हमसे कहते हैं कि चुनाव लड़ो, इसलिए आज हम मैदान में आ गए। किससे मुकाबला मानते हैं आप? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कोई गैंगवार नहीं है, प्रतियोगिता है। हर व्यक्ति परीक्षा देने के लिए जाता, IAS IPS कोई बनता, हर व्यक्ति खेलता है, कोई एक जीतता है। तो मुकाबला तो अब जनता तय करे उसका किससे है, क्योंकि ये चुनाव अमित जानी का नहीं, सिवाल की जनता का चुनाव है। अच्छा, पहला काम ऐसा क्या करें? चुनाव जीते तो 53 करोड़ का जो अस्पताल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नाम जिसका शिलान्यास हुआ था 24 अगस्त 2021 को, शिवपाल सिंह यादव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके लिए 2 करोड़ रुपये की ज़मीन हमने अपनी जेब से खरीदी, उस पे सबसे पहले अस्पताल का निर्माण करेंगे एक साल के भीतर भीतर, ताकि सिवाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फ्री इलाज मिल सके। अस्पताल का नाम क्या रखेंगे? शिवपाल सिंह यादव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसका नाम था शिलान्यास के समय। और भले ही अब हम शिवपाल जी की पार्टी में नहीं है, लेकिन हम राजनीति में अपने सिद्धांतों को, राजनीति में अपने जो आस्था के प्रतीक हैं उनको रोज नहीं बदलते। शिवपाल जी के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं, वही हमें लड़ा भी रहे हैं। उनका कहना है कि जीत के आओ फिर जसवंत नगर लड़ाओ। अमित जी, संपत्ति का ब्यौरा दिया है आपने? बिल्कुल, संपत्ति का ब्यौरा दिया है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं फार्म की वो हमने पूरी की। मुकदमे 14 हैं इस समय और राजनीतिक संघर्ष में बहुत मुकदमे लगे, बहुत विपक्षियों ने मुकदमे लगाए, बहुत 5 साल जेल भी काटी। अब जो 14 मुकदमे लंबी थे उनकी मैंने जानकारी साझा कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।